फैकल्टियां हैं, सबको यूज करना है एक, ठीक है ना। कर लीजिए अच्छे से। बना लिया सब लोग? अच्छा, तो धीरे से आप लोग क्या करिए, आइए लाइन वाइज लाइन चलिए आराम से, एक एक घंटा पकड़ लीजिए सब लोग। हमने तो इसको पकड़ लिया भाई, सबसे बड़ा वाला घंटा को यहाँ पे यूज करिएगा सर, इधर आ जाइए, ऐसी में कर लीजिए। यहाँ पर आइए, थोड़ा सा यूज कर लीजिए। हम लोग किस स्थान पर आए हुए हैं बच्चा लोग? या हम लोग बच्चा पार्टी लोग नरई वीर परई वीर दोनों एक ही नाम से पुकारे जा सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम प्लेस पे आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, आज भोले जी के दरबार में आए हुए हैं, क्योंकि भोले जी के दरबार से जानते हो ना, जो बेल का पत्ता होता है ये दो टाइप के होते हैं, सभी को पता है। और यही जो आपका देख रहे हैं यहाँ पे, ये भांग उंग जानते हैं ना, ये शिवलिंग है। शिवलिंग के ऊपर क्यों गिराया जाता है, दूध क्यों गिराया जाता है, पानी क्यों गिराया जाता है, आपका वजह पता है? नहीं, क्योंकि हम लोग अच्छे स्थान पर भी आ गए और क्वेश्चन भी अच्छा जग गया है। क्यों ऐसा किया जाता है पता है? नहीं। देखो भाई साहब, जो शिवलिंग होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इसमें गर्मी को शांत रखने के लिए, किसी भी गर्मी को, टेम्परेचर को शांत रखने के लिए हमेशा इसके ऊपर भांग गिराया जाता है। भांग में वो केमिकल पाया जाता है जो गर्मी को शांत रखता है। बेल के पत्ते में ठंड ही होता है, इसके ऊपर मतलब वो ठंडा चीज़ हमेशा गिराया जाता है। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी शिवलिंग पर कुछ भी गिराया जाएगा, कुछ भी आप चढ़ा रहे हैं, तो वो ठंडा होना चाहिए, गर्म कभी भी नहीं चढ़ाया जाता है। तो एक बार शिवलिंग के लिए आप लोग मन से कामना करिएगा, अपनी घर की शांति के लिए। ध्यान दीजिएगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगना है, अपने लिए कभी भी मांगोगे भगवान से, प्रार्थना कभी जब भी करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। जब भी मांगना है तो दूसरे के लिए मांगना है, परिवार के लिए मांगना है, कि हम जो ये कल्चर से जुड़े हैं, ये कल्चर के लिए जुड़े, हम लोगों का विकास कर सके, ये हमेशा प्रार्थना में आपका होना चाहिए। तो दोस्तों, अपने लिए कभी भी मांगने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है? तो एक बार घंटी जब बजा के अब दिल से सभी लोग अपने साथ जुड़ जाइए। और थैंक यू धन्यवाद जुड़ने के लिए। भगवान सबकी इच्छा पूरा करें, हम लोगों की इच्छा पूरा ना करें, सही? भगवान सबकी इच्छा पूरा करें, बाद में आ जाएंगे, पहले मंदिर पर आ जाइए एकदम से, बिल्कुल से। आइए आकाश, आइए आप एकदम तुरंत फ्रंट पे चल जाइए, आप लेकर वहां से बिल्कुल आइए। अभी से मंदिर पे चलते हैं, थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, देखते हैं, और भगवान से वार्तालाप करते हैं। भगवान से कभी वार्तालाप किए हैं? तो बजरंगबली यहाँ पर है, प्लस तमाम लोगों का मूर्ति लगा हुआ है, तो एक बार दिल से याचना करिए, अर्चना करिए। का यूज कर लीजिएगा सब लोग। यह हम लोगों का पहला राउंड हुआ। हम लोगों को जो राउंड करना है, करने की जो जरूरत है, वो कम से
कप हम लोगों को 11 टाइम्स करना है राउंड। कितने टाइम्स करना है? 11 टाइम्स। अब 11 टाइम्स करने का प्रोसेस है, तो 11 टाइम्स में देखिएगा आप 11 वचन में अर्थात आप 11 चीजों से मुकाबला करने की क्षमता पा रहे हैं अपने जीवन में। तो ये क्षमता रखने के लिए आप हमेशा हर बार अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, मेरी गारंटी है कि आप हमेशा दूसरों के लिए ही मांगेंगे। तो बोलो विश्वास है? Yes, दूसरे के लिए ही मांगेंगे ना? यस सर। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपको। इसलिए पहला राउंड हुआ, पहले राउंड में भगवान से जो इच्छा होगा वो मांगने का प्रयास करना, लेकिन खुद के लिए नहीं मांगना है मेरे दोस्त। तो एक बार याचना करिए, अर्चना करिए भगवान से फिर से। तो इस तरह से हम लोगों को 11 टाइम्स करना है। आप इधर से ये हम लोगों का चौथा राउंड है। दिस इज द थर्ड राउंड। वी हैव कंप्लीटेड टू राउंड्स एंड वी आर गोइंग थर्ड राउंड्स। वी हैव कंप्लीटेड थ्री राउंड्स। वी हैव कंप्लीटेड थ्री राउंड्स। वी आर मूविंग राउंड नंबर फोर्थ। दिस इज द राउंड इज कंप्लीटेड एंड वी pray to God. We are praying to God in mindfully, peacefully. Thank you. भगवान सबकी इच्छा पूरा करें, भगवान सबकी इच्छा पूरा करें। Thank you. God bless you. Friends, we have completed fourth round and we are moving fifth rounds. Then you pray to God for your family. Thank you. Friends, we have completed fifth round and we are moving sixth round. We are moving sixth round. Thank you. Friends, we have completed sixth round and we are moving seventh round. Seventh round is the very, very important for this world. Friends, we have completed seventh round, but listen carefully my words. All students properly use the veil. We have completed seventh round. We are also completed eighth round. Thank you, दोस्त। Thank you, God के से इतना अच्छा pray करना। इस संसार के लिए हम बोले अपने लिए मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। हमेशा चाहत दूसरों के लिए ही होना चाहिए। तो प्रे टू करिए कि संसार में जो समस्याएं चल रही है वो समस्या अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाए। तो ये हमारी मनोकामना था किसके लिए? संसार के लिए। नाउ वी आर मूविंग नाइन्थ राउंड। फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड एट्थ राउंड, बट वी आर ऑल्सो मूविंग नाइन्थ राउंड। नाइन्थ राउंड इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अर्थ। सो फ्रेंड्स, प्रॉपरली यूज द वेल एंड प्रे टू गॉड। थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग जो प्रार्थना कर रहे थे धरती माता के लिए कर रहे थे, तो धरती माता का एक बार थोड़ा सा लगाव रखिए अपने माथे से। थैंक यू सबको, सबको तहे दिल से शुक्रिया इस धरती माता की प्रार्थना करने के लिए, लोगों को एक नया रूप देने के लिए। क्योंकि दोस्त, हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, सिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये जो आप
इस क्वेश्चन को जाहिर करने से अच्छा है कि हमें कहीं मिट्टी मिलेगा तो हम उसका यूज करके आपको समझाने का प्रयास करें। तो इस क्वेश्चन को ब्लैंक रखते हैं। लेट मूव्स राउंड नंबर 10th। आल्सो वी हैव कंप्लीटेड राउंड नंबर। अंतिम पोजीशन 11वां जो होगा, 11वां जो होगा ये अपने लिए अब मांगना है, क्योंकि अपने लिए कभी भी रोटी नहीं लेना है, बचा हुआ पार्ट में ही आपको रोटी खाना है। तो अंतिम पोजीशन पर अपने लिए कर्तव्य किया करिए। हम कर्तव्य जब तक दूसरे के लिए नहीं करेंगे तब तक हमें मिलने वाला नहीं है शुरुआत में। इसलिए अगर हम कोई अपराध करते हैं तो खुद के लिए पहले, और अच्छाई करते हैं तो सबसे पहले दूसरे को वरीयता देते हैं। क्या आप लोगों को भी पता है? Yes. जब भी अच्छाई वाला काम किया करिए, अगर उसमें कई लोग शामिल है तो पहले अपने को क्रेडिट मत दिया करिए, कभी भी नहीं दिया कर। अगर दिया तो ये भगवान के दृष्टि से, सबकी दृष्टि से गलत है। तो प्रयास करना, पहले जो क्रेडिट देना है दूसरे को, क्रेडिट देना है, उसके बाद जब बचा हुआ कुचा रहेगा वो अपने ऊपर देना है। वी हैव कंप्लीटेड 10th राउंड। क्या आप लोगों का इच्छा पूरा होता है या नहीं होता है? आप अपने लिए इच्छा मांगेंगे, जो भी आपको पाना है वो भी दूसरे की भलाई के लिए होगा। वो भी किसके लिए होगा? दूसरे की भलाई के लिए यूज करेंगे। मांगना तो है आपको दिल से। अब थोड़ा सा जो प्रार्थना करने का पोजिशन होता है मेरे दोस्त, आप समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये दिल से दिल अटैच होना चाहिए। जो हाथ अटैच करने का प्रोसेस होता है, कभी भी जोड़ने का प्रयास करिएगा, देखिएगा ये पार एकदम ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही प्रार्थना किया जाता है, और ये बिल्कुल ऐसे और सटा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से हाथ जोड़ने का, और ये थोड़ा सा फूला होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी मांग रहे हैं तो इस पोजीशन पे कभी भी ऐसे नहीं किया जाना चाहिए, आपका ऐसे थोड़ा सा ये फूला होना चाहिए आपका। कभी भी शंख इस अवस्था में होता है, जब शंख बजाया जाता है, देखिए शंख इस फूला रहता है कि नहीं रहता है, उसमें एयर भरने के लिए, और कौन सी एयर रहती है? दिस इज अ पॉजिटिव एयर, बस हमें उसे एयर के माध्यम से बाहर निकालना होता है। जितना तेजी से फूंक मारेंगे उतनी तेजी से आवाज़ निकलेगा। तो हम प्रयास करेंगे कि ये जो अपना हाथ प्रे कर रहे हैं ये प्रॉपर वे में होना चाहिए। प्रे टू गॉड, लेट्स एंड यू मूव टू योर हैंड्स 11 टाइम्स। नाउ दिस प्रोसेस यू फिल अप, आई हैव कंप्लीटेड, बट यू आर नॉट कंप्लीटेड। Also, you have completed 11 times? Yes. Thank you. Then, last time you pray to God and properly use the veil and very loudly. Then you move to down and next to next temple. Yes. And we move to next temple. Next. Properly use veil in loudly. थैंक यू। एक बार भगवान को भी थैंक यू करिए, क्योंकि हम लोगों को ही जीवन दान, हर पल जी रहे हैं तो भगवान के सहारे ही जी रहे, और चरण स्पर्श इस प्रकार से करते हैं तो समझो वी आर ग्रेट, वी आर लकी ह्यूमन इन दिस वर्ल्ड। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग प्रॉपरली यूज करिएगा दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेल अच्छा। आप बताइए कैसा फील हो रहा आप लोगों को, दिमाग कैसा लग रहा है ये बताओ, एकदम फ्रेश है? अगर हम लोग एक घंटे का समय दे गॉड के पास प्रॉपरली, जिस तरीके से एक्टिविटी किया जाता है, सच में बता रहे हैं आप एकदम पीसफुल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? एकदम पीसफुल हो जाएंगे, जैसा लगेगा कि नहीं हम सच में यहाँ पे जी रहे हैं, जीने के मकसद से आए हैं, और जीने के मकसद में क्या करना चाहिए हमें, एकदम विजुअलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। तो अभी जितने भी हम लोग टेम्पल थे, सभी टेम्पल पे हमने मूव कर लिया, अर्थात घूम लिया, राउंडिंग कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग इस नदी के किनारे, आइए दोस्त एकदम आते हैं, थोड़ा सा नदी के किनारे पर आते हैं, बहुत ही अच्छे प्लेस पर आए हुए हैं। प्लेस बताओ शानदार है या शानदार नहीं है? शानदार है ना प्लेस, वाओ, आसम, आसम, आसम प्लेस, कितना आसम है, शानदार है, कितना बढ़िया है। देखिए
दिख रहा है लुकिंग प्लेस, दिस इज द हेवन। ये क्या है? स्वर्ग है सर। स्वर्ग कैसे है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। स्वर्ग बना दिया आपने? अरे भाई भाई, इसने स्वर्ग बना दिया। वाकई ये स्वर्ग है। जब इसका वैल्यू जानोगे तब स्वर्ग समझ में आएगा, क्योंकि जब तक हमें कुछ पता नहीं रहता किसी के बारे में, हम अनजान बने रहते हैं, अर्थात वो हमारे लिए किसी काम का नहीं। दिस इज द नेग्लेक्टिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन। तो एक बार हम लोग रखते हैं सीन को क्लोज, बाकी चलते हैं, मूव करते हैं डाउन पर। आप लोग थोड़ा सा